बंधु हो कि जैसा कल क्रम था कार्यक्रम का शाखा में, उसी तरह से आज भी होगा कि निर्णय मेन्द्रे से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपना ऑडियो वीडियो चालू करें। उसके पहले मैं जैसे लीला तई ने बोला था कि अपनी प्रतिक्रिया या अपना कोई प्रश्न हो तो आप मुझे भेज देना, तो मेरे पास में दो प्रश्न आए थे जो कि कुलकर्णी साहब ने सांगली से पूछा था कि हिंदू तो एक हमारी जीने की परंपरा है, कला है, फिर भी उसका जो है ये जो सेक्युलर लोग हैं उसका विरोध क्यों करते हैं। दूसरा प्रश्न ये था कि हमारी मातृभाषा, हमारा रहन सहन, हमारा धर्म, हमारी जाति सब अलग अलग हैं, तो क्या हम संस्कृत से, संस्कृत भाषा से हम सभी भाषाओं का एकात्म स्थापित कर सकते हैं क्या, और वो कैसे कर सकते हैं? ये दो प्रश्न थे जो लीला जी को मुझे बताना थे। लीला जी आप अपना ऑडियो वीडियो चालू करके अपना उद्बोधन प्रारंभ कर सकते हैं। लीला जी। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वांना नमस्कार, सबको नमस्कार। मैं थोड़ा सा भूल गई थी कि ये मुझे वक्तव्य अपना हिंदी में देना है। तो बात यह है कि मुझे जो दो प्रश्न बताए गए उनके उत्तर भी इसी वक्तव्य के दौरान आ जाएंगे, इसलिए मैं शुरुआत में उनकी चर्चा नहीं कर रही हूँ। तो कल हम लोग इस बात पर पहुंचे थे कि हमारे देश की जो भारतीय जो संस्कृति जिसको हम कहते हैं, उसका भविष्य हमें कैसा दिखता है, उस पर हमें कोई संकट दिखता है, कोई उसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। और अगर थ्रेट बहुत ज्यादा है तो हमें हमें उस संकट को समझना पड़ेगा, वरना हमारे लिए बहुत ही कष्टमय दिन आने वाले हैं। इसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी। अब जहां तक स्ट्रेंथ की बात आती है, मैं कुछ मुद्दे थोड़े से गिना देना चाहती हूँ कि हम किस किस बात पर अपना, अपने आप के प्रति गौरव महसूस कर सकते हैं, और शायद हम उतनी अधिकता से या उतनी पर्याप्तता से वह गौरव अभी भी महसूस नहीं करते हैं। उसकी जगह हम कहीं ना कहीं एक ग्लानी या कुंठा महसूस करते हैं। तो गौरव की कुछ बातें मैं यहाँ गिनाना चाहती हूँ कि एक बहुत ही विशाल भूभाग जिसकी तुलना अगर हम करें तो इतना विशाल भूभाग लिए हुए 6 भाग मुझे इस संसार में दिखाई पड़ते हैं। एक भारत है, एक चीन है, अमेरिका है, रूस है, यूरोप एक पूरा इकट्ठा लिया जा सकता है, और अफ्रीका भी एक पूरा इकट्ठा लिया जा सकता है। तो इस तरह के ये 6 जो विशाल भूभाग हैं, इनमें से एक हम हैं। जनसंख्या की बात करें तो विश्व की 2 नंबर की जनसंख्या हमारे पास है, चीन की 150 करोड़ और हमारी 140 करोड़। और 3रे नंबर पर जो देश आता है अमेरिका, उसकी आबादी मात्र 35 करोड़ यानी हमारी आबादी से करीब करीब 1/4 जिसको हम कहेंगे। अगर हम बोलियों की बात करें तो पूरे विश्व में जो भाषाएं ऐसी हैं जिनके बोलने वाले 1 करोड़ से अधिक हैं, ऐसी भाषाएं विश्व में 96 हैं, 96, और उसमें से भारत के पास ऐसी 14 भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है। और अगर हम अपनी सारी बोली भाषाओं की गिनती करने लगें तो हमारे पास 5000 से अधिक बोली भाषाएं हैं।
हमारे पास पशुधन, पक्षी और वनस्पतियां, इन तीनों मामलों में हमारे पास जो बायोडायवर्सिटी है वो अत्यंत विशाल हमारी बायोडायवर्सिटी है। इतनी बड़ी बायोडायवर्सिटी संसार के किसी भी दूसरे, जो मैंने 6 भाग गिनाए, उनके पास नहीं है। अगर हम कृषि लायक क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारे पूरे भारत में अगर बहुत थोड़ा इलाका, जिसे हम सिक्किम का ओल्ड रेगिस्तान कहते हैं और राजस्थान का हॉट रेगिस्तान कहते हैं, ऐसे थोड़े से अगर इलाके छोड़ दिए जाएं, तो हमारा करीब करीब सारा ही हिस्सा कोई ना कोई खेती वहां पर हो सकती है, वह कृषि के लायक है। अगर हम बात करें सौर ऊर्जा की, कि प्रकृति ने हमें ही केवल और अफ्रीका को यह वरदान दिया है कि हमारे पास सौर ऊर्जा बहुत ही विपुल प्रमाण में है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। ये हमारी सौर ऊर्जा है एक कारण, जिसके कारण से हमें सर्दियों में बहुत अधिक मात्रा में हमें हीटिंग करने की या ऊर्जा प्रदान करने की या ऊर्जा की उपलब्धि कराने की आवश्यकता हमारी बहुत कम हो जाती है। और यह जो सौर ऊर्जा है, यह स्वास्थ्य के लिए भी अत्यावश्यक है, जो कि हमें सम प्रमाण में पूरे भारत भर में मिलती है। बिल्कुल आदिवासी तक ऐसे हैं जो इस सौर ऊर्जा का फायदा उठा रहे हैं। अगर हम गिनती करें कि हमारी जो भाषाएं हैं, इनको मिला करके जो हमारा शब्द भंडार है, उसके बारे में मैंने कल बताया था कि संस्कृत ऐसी भाषा है जिसका अपरिमित शब्द भंडार है। और चूंकि भारत की भाषाएं संस्कृतोद्भव हैं, इसलिए अपने आप उनका भी शब्द भंडार जो है वो अपरिमित तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत विस्तृत उनका भी शब्द भंडार है। अब आते हैं कि परंपरा या हमारी संस्कृति, तो जितनी भी पुरातन संस्कृतियां हैं या थी विश्व में, उनमें से सारी की सारी संस्कृतियां लुप्त हो गई हैं, विनष्ट हो गई हैं। केवल भारतीय संस्कृति ऐसी बची है जो कि बहुत वर्षों से, सहस्रों वर्षों से ये निरंतरता से चली आ रही है। और हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यह निरंतरता टूटे नहीं, यह संस्कृति अन्य संस्कृतियों की तरह लुप्त ना हो जाए। यहां मैं जो मैं संकटों की बात करती हूं, तो यह मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 15वीं सदी तक दक्षिण अमेरिका में इनका संस्कृति प्रचलित थी। और 15वीं सदी में एक स्पेनिश योद्धा वहां जाता है और छल कपट से उस राजा को वह पराजित करता है और उस पूरी संस्कृति पर लूट की नियत से कब्जा करता है। लूटपाट भी मचाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस संस्कृति के जितने भी पहचान के चिन्ह थे, उन सबको वह नष्ट कर देता है। तो आज इनका संस्कृति हमें एक कपोल कल्पित कहानी की तरह आज हमें उसकी तरफ देखना पड़ता है, जबकि 15वीं सदी तक वह संस्कृति जीवित थी। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम पूरे पिछले 2000 वर्षों का अगर हम इतिहास देखें, तो उस तुलना में ये 15वीं सदी में जो पूरी की पूरी एक सभ्यता विनष्ट हो गई, ये हमसे बहुत करीबी ये बात हुई है। तो हम ये डंके की चोट नहीं कह सकते कि हम भी उस रास्ते से नहीं जाएंगे। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हो सकता है कि हमारे ऊपर भी वही संकट हो।
तो अब बात आती है कि इतनी जो हमारी लंबी परंपरा से जो चली आ रही है संस्कृति, इसकी जो अच्छाइयां हैं या इसमें जो इतने हजार वर्षों से हमने जो ज्ञान का संचय किया हुआ है और वह ज्ञान किसी न किसी रूप में देश के किसी न किसी कोने में आज भी हमारे पास उपलब्ध है। जब हम पुरातत्व विभाग के कामों को देखते हैं जो पिछले 20 वर्षों में बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी सभ्यता की जो अवशेष जो हमें मिलते हैं इन पुरातत्व खुदाइयों में, वो बताते हैं कि हम वो हमारा इतिहास जो है वो पीछे 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 बहुत पीछे बहुत दूर तक पीछे जाता है, ऐसी संभावना इन खुदाइयों से हमें दिखाई पड़ती है। और खुदाइयों की बात हम छोड़ भी दें तो भी साहित्य के ऐसे अनन्य प्रमाण हमें मिलते हैं, खगोल शास्त्र के अनन्य प्रमाण हमें मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी सभ्यता कितनी पुरातन है। लेकिन गौरव केवल पुरातनता का नहीं है, बल्कि गौरव उसमें जो ज्ञान का संचय हुआ है और जो धरोहर हमारे पास आई है उस धरोहर की भी बात है। तो अगर हम आज ये कहते हैं कि वह जो संचित ज्ञान है हमारा, उसको हम कहीं कूड़े में फेंक देंगे और हम अब नया ज्ञान जो हमें पश्चिमी जगत की तरफ से मिल रहा है उसको हम नए तरीके से सीखेंगे और उसी को सीख करके हम अपने आप को आगे ले जाएंगे, ये अगर हमने सोचा, तो हम बिल्कुल स्वाभाविक है कि हम इस पूरी रेस में कहीं ना कहीं पीछे तो पड़ ही जाएंगे। साथ ही जो हमारा आज का विषय है कि हमारी संस्कृति का भविष्य क्या है, तो हमारे सामने आज ऐसा दिख रहा है कि दो रास्ते हैं। जब हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, तो ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी तैयारियां इस बात से के लिए हो रही हैं प्रकृति की ओर से भी कि भारत विश्व गुरु तो बन सकता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि वह जो विश्व गुरु, मैं विश्व गुरु की बात नहीं कहूंगी, सर्वाधिक शक्तिमान देश ये मैं कहूंगी जो भारत बन सकता है, आर्थिक प्रश्न से सर्वाधिक समृद्ध, सामरिक प्रश्न से सर्वाधिक समृद्ध और उत्पादन में सर्वाधिक समृद्ध, परहैप्स ज्ञान में भी सर्वाधिक समृद्ध, ऐसा भारत अगले 50 वर्षों में निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन दो बातें हो सकती हैं, एक तो ये हो सकता है कि वह भारत पूरी तरह से, वहां की संस्कृति जो है वो पूरी तरह से पुरातन संस्कृति पूरी तरह से कचरे में डाल दी जाए और हम पूरी तरीके से जिसे आज हम पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी संस्कृति कहते हैं उसे अपनाकर हम अपने आप को सामर्थ्यशाली बना करके आगे ले जाएं। दूसरी संभावना ये है कि हम वास्तव में गुरु की बात करें, विश्व गुरुत्व की बात करें, और विश्व गुरु अगर हमें बनना है तो वह हमारे जो मूल्य हैं उन मूल्यों से ही हम विश्व गुरु बनने की बात कर सकते हैं।